हेलो गाइस वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू वेलकम बैक सो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सो आज के इस सेशन के अंदर हम लोग समराइज करने वाले हैं यूनिट नंबर 16 व्हिच इज कैश फ्लो एंड फंड फ्लो राइट तो आज का जो समरी टॉपिक है दैट इज अबाउट कैश फ्लो एंड फंड फ्लो वेरी इंपॉर्टेंट वन अगेन यू कैन एक्सपेक्ट एटलीस्ट टू मार्क्स क्वेश्चन बेस्ड ऑन Uh, this particular unit, the downside 2 marks unit, right? So, first we will go through the course content as per the Macmillan book, then uh, I'll try to summarize this particular one within 25 to 30 minutes, right? So, if we talk about cash flow and fund flow statements, ka, this topic is 90% about your cash flow statement because as per Indian accounting standard 1, as well as accounting standard 1, so cash flow is a part of final accounts, right?

प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसके थ्रू हमें के बारे में पता चलता है एंड वी ऑलरेडी कवर दिस पार्ट ठीक है सेकेंड वन इज बैलेंस शीट स्टेटमेंट सो बैलेंस शीट स्टेटमेंट विच इज द पोजिशन स्टेटमेंट विच शोज दसेट्स लाइबिलिटीज एंड इक्विटी ऑफ द फर्म ठीक है सो इक्वेशन इज एसेवल टू लाइबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी राइट क्वेशन देन वी है बात करेंगे किसके बारे में कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में फ्रॉम वन अकाउंटिंग पीरियड टू अनदर वन ठीक है दैट मीन्स जैसे अगर आप किसी कंपनी uh, के कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं सो वी हैव टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन इज वन इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थ्री एंड अन सो ये जो दो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एज वेल एज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थ्री एंड सेवन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेवन सो अकॉर्डिंग टू दीज पर्टिकुलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट सो कैश फ्लो इज बेसिकली लाइक इन एंड आउट ऑफ मनी ठीक है बहुत आसान भाषा में ठीक है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितना पैसा आ रहा है और ऑर्गेनाइजेशन से कितना पैसा आपका जा रहा है ठीक है पैसा मीन्स कैश एंड इक्विवेलेंस राइट लेट्स से वी मेड सम परचेजेस और लाइक uh, like अगर हम लोग बात करें आउटसाइड का ठीक है वी परचेज सम मशीन प्रॉपर्टी और वी परचेज सम इन्वेस्टमेंट्स वी परचेज सम लाइक वी टुक सम लोन इन अदर्स सो नॉट लोन सो वी पेड ऑफ सम लोन इन अदर्स वी मेड बाय ऑफ शेयर्स सो दैट इज आउट इन इज लाइक लेट्स से Uh, like from the proceed of sale of property plants, goodwill, patents, copyright or uh, like uh, uh, like issue of shares or issue of bonds and other so they are generally in for the organization. But as for these accounting standards, while you prepare your cash flow statement, so these are further divided among three parts. So these are first one is operating activities another one is financing activities and third one is investing activities right so operating activities these are core revenue generating activities like sale and purchase or expenses or income toward the sale and purchase take from the sale and purchase right financing activities which will have impact on your liabilities and equity jinse say liability or equity can that technical changes willing milenge. let's say हमने आपका शेयर इशू किया 50 करोड़ रुपीज का सो दैट इज इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज विल इंक्रीज योर इक्विटी बाय 50 करोड़ राइट right? जैसे हमने कोई लोन आपका पे ऑफ किया सो दैट विल डिक्रीज योर लाइबिलिटी बाय थी जो भी अमाउंट आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज इट इज समथिंग जो आपका ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी बिल्डिंग है ठीक है जैसे परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट्स इन्वेस्टमेंट और आपका गुडविल पेट एंड कॉपरेट और से अप्रोसीड फ्रॉम द सेल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट ठीक है जैसे किसी दूसरी कंपनी को लोन दिया या दूसरी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया दैट इज ऑल्सो आउटफ्लो फ्रॉम योर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज राइट सो यहां से आई होप यू गॉट अ बेसिक आइडिया अबाउट दिस द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो रेफर्स टू अर चेंजेस इन कंपनीज कैश एंड इक्विवेलेंस फ्रॉम वन पीरियड टू नेक्स्ट So cash flow statements uh, will record a company's inflow and outflow, uh, or actual uh, 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 of actual cash, which is cash and equivalents, right? So uh, a cash flow statement is a financial statement that summarizes all amount of cash and equivalents entering and leaving an organization or a company, right? So as per the uh, section one uh, section, sorry, accounting standard three and. Um, Indian Accounting Standard Seven. So these are further categorized among three types. operational activities, financing activities, and investing activities. So now, the important game with starts. Okay, like how you'll get question based on these particular, this particular topic. So they'll give you some statement, and you have to find out which out of the given statement which is uh, like cash flow from operating activity, or financing activity, or investing activity. एक साइड में आपका कैश फ्लो एक्टिविटीज उनको आपको आपस में मैच करना होगा और इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी बन सकता है आपको चार पांच एंट्रीज दी जाएंगी एंड बेस्ड ऑन दोन एंट्रीज यू हैव टू फाइंड आउट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज तो यहां से थोड़ा सा आपको अच्छे से समझना है तो पहला हमारे पास है फर्स्ट वन इज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज दीज आर कोर रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज मतलब एक आपका जो revenue generation, जो रेवेन्यू जनरेशन सेल आपके होती है ना जैसे आपका परचेज uh, हमने किया सो दैट इज आउटफ्लो फ्रॉम योर ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमने कोई सेल किया हमने कोई रेंट आप सेल इज बेसिकली इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमें डिविडेंड रिसीव हुआ हमने कमीशन रिसीव किया हमने आपका प्रीमियम पे किया हमने क्लेम रिसीव किया सो दीज आर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आई शो यू द कंप्लीट लिस्ट आल्सो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज इज समथिंग और समवेयर अबाउट प्रॉपर्टी प्लांट्स इक्विपमेंट्स गुडविल पेटेंट कॉपी आपके ये सारी चीजें तो इनका परचेज और सेल एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज विच विल इम्पेक्ट योर लाइबिलिटीज एंड इक्विटी ठीक है जैसे हमने इसके ऊपर अभी बात भी किया था कि जहाँ पे कहीं ना कहीं आपका लाइक uh, like, uh, वी हैव दैट लाइक फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर लाइक वी हैव दैट जैसे आपका इश्यू ऑप्शर्स बाई बैक ऑप्शर्स आपका इश्यू ऑफ डेट और पे बैक ऑफ डेट सो दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज आर पार्ट ऑफ दिस ठीक है एक चार्ट में आपको दिखाता हूँ देट विल गिव यू मोर क्लियरिटी तो जैसे ये आपका जो जैसे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज सो हेयर वी हैव कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैश पेड टू एम्प्लॉयज एंड सप्लायर्स cash generated from operating activities means profit dividend received interest received interest paid taxes paid again okay. so these are cash flow from operating activities another one we have uh, in total then we have investing activities purchase of machinery goodwill patent copyrights tangible and intangible both proceed from the sale of uh, upper tangible and intangible assets okay then we have financing activities proceed from capital contribution, स और इश्यू ऑफ डेट एंड अदर्स प्रोसीड फ्रॉम लोन और वी हैव पेमेंट ऑफ लोन देन सब का टोटल तो इस तरीके से आपका जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की जो रिक्वायरमेंट्स है उनको आपको फुलफिल करना होता है ठीक है सो फर्स्ट वी हैव ऑपरेटिंग एक्टिविटीज सो दिंस दे आर जनरली कोर रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन

कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस एंटिटी फॉर प्रीमियम एंड क्लेम सो प्रीमियम इज आउटफ्लो एंड क्लेम इज इनफ्लो ठीक है बाकी बहुत आसान है इनफ्लो आउटफ्लो आपका मतलब तो जहां पे पैसा रिसीव किया जा रहा है या बाहर जा रहा है ठीक है So that is the one. Cash uh, cash flow statement. Now, is operational activities. Hoti hai, they are further. in kaju accounting? Hai, that is on the basis of two type. One is direct, which is gross method. Another one is indirect, which is net method. Okay. So direct method, which is major classes of gross cash receipt and uh, gross payments are disclosed. Indirect method, where profit on loss is adjusted for the uh, effect of transaction of non cash in nature. Right. So that is the one. दूसरा हमारे पास है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज सो इन्वेस्टिंग एनी कैश फ्लो दैट एक्विजिशन डिस्पोजेबल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट एंड अदर इन्वेस्टमेंट नॉट इंक्लूडेड इन कैश सो दे आर जनरली कम्स अंडर दिस क्या क्या एंट्रीज मेजर आपको यहां पे मिलेंगी कैश पेमेंट टू एक्वायर प्रॉपर्टी प्लांट्स इक्विपमेंट्स इंटेंजिबल एसेट्स अदर लॉन्ग टर्म एसेट ठीक है कैश रिसिव फ्रॉम सेल ऑफ जिबल और अदर लॉन्ग टर्म एसे कैश इनफ्लो फ्रॉम सेल ऑफ इक्विटी एंड डेट इंस्ट्रूमेंट ऑफ अदर एंटिटीज ठीक है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को लोन दिया है या दूसरी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया दट इज दार्ट ऑफ दिस कैश एडवांस एंड लोन नाम मेड टू अदर पार्टी जैसे आपने क्लियरली आपका मैं ठीक है थर्ड वी है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज इंक्लूड एक्टिविटीज दैट रिजल्ट इन चेंज इन दीज एंड कंपोजिशन ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटेड इक्विटी इन बोरोस ठीक है जैसे हम लोग इसके ऊपर इश्यू uh, ठीक है किसी कंपनी ने आपका दे बिकम पब्लिक ड्यूरिंग दैट पर्टिक्युलर ठीक है सो शेयर इश्यू के थ्रू दे रेज सपोज दैट फिफ्टी करोड़ रुपीज ठीक है सो इट्स अ इनफ्लो फॉर द कंपनी एंड इट विल इंक्रीज देअर इक्विटी उस इनकेस कंपनी की इक्विटी को आपका ये इंक्रीज करेगा ठीक है suppose that they have taken a term loan worth rupees 5 crores 5 crore bank loan liya so this will increase their liability by Rs. 5 crore rupees so this uh, is the one so financing cash flow are typically include cash flow associated with borrowing and repay, repaying bank loans and issuing and buyback of shares So, this uh, cash proceed from issue of shares and other equity instrument cash payment to owners to acquire रिडीम दी एंटीटी शेयर बाय बैक ऑफ शेयर कैश प्रोसीड फ्रॉम इश्यूंग डिचर्स लोन बॉन्ड मॉर्डगेज एंड अदर शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म्स बोरो बोरो पास्ट में उन्होंने कोई लोन लिया था उसका आपका रीपेमेंट किया गया सो दैट इज दब ये आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट दिस इज ऑल अबाउट कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड इतना आपको समझ में आ गया दैट मीन्स इस यूनिट का नाइनटी परसेंट आपका कवर हो गया ठीक है सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट लाइक आपको कहीं कही ना कहीं ये चीज समझ में आनी चाहिए कि विच एक्टिविटी कम्स अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी विच कम्स अंडर फाइनेंसिंग एंड विच कम्स अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ये आपने समझ लिया तो उसके ऊपर कोई भी वेराइटी का क्वेश्चन है ठीक है जैसे सिंगल लाइनर हो या पेयरिंग वाला हो या फिर नंबर्स ठीक है तो आप सीधा फिर प्लस माइनस करना इनफ्लो आउट आउटफ्लो समझना बहुत आसान है आपको वो चीजें नहीं तो कॉन्सेप्ट फंडामेंटली यू हैव टू बी वेरी हैोंग ठीक है चलो अब आते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर ठीक है सो फंड फ्लो स्टेटमेंट इज बेसिकली यहां पे आपका ये किस तरीके से काम कर रहे होते हैं कि जो आपका यूजेस प्रोसीड ऑफ दैट पर्टिकुलर कैश फ्लो ठीक है जैसे हमारे पास कैश आया मतलब सोर्सेज ऑफ फंड्स एलोकेशन ऑफ फंड्स ठीक है सो लाइक वी हैव डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज

चार्ट जिसमें थोड़ा देखते हैं सो so, आपका सोर्सेज ऑफ फंड्स एंड वी हैव यूजेस ऑफ फंड्स ठीक है सो लॉन्ग टर्म सोर्सेज एंड लॉन्ग टर्म यूजेस तो जैसे आपका सोर्सेज ऑफ फंड इंक्रीज इन इक्विटी हमने शेयर इश्यू किया था वी रेज 50 करोड़ थ्रू द पब्लिक इशू तो दिस इज योर सोर्स अब हम इसको कहां पे यूज कर रहे हैं ठीक है इंक्रीज इन रिजर्व इंक्रीज इन लॉन्ग टर्म बोरो डिक्रीज इन नॉन करेंट एसेट ठीक है सब टोटल आपका देन शॉर्ट टर्म सोर्सेज लाइक इंक्रीज इन शॉर्ट टर्म बोरोंग डिक्रीज इन करेंट एसेट ठीक है दूसरी तरफ यूजेस डिक्रीज इन इक्विटी अब अगर आप शेयर इश्यू करेंगे सो योर डिग्री ऑफ कंट्रोल विल कम डाउन योर इक्विटी विल कम डाउन ठीक है तो so, ये कंपनी में डिक्रीज इन रिजर्व डिक्रीज इन लॉन्ग टर्म बोरोस इंक्रीज इन नॉन करेंट एसेट सब टोटल देन शॉर्ट टर्म यूजेस ट टर्म बॉरोस इनक्रीज इन करेंट एसेट इनका टोटल तो फंड फ्लो स्टेटमेंट इज बेसिकली अबाउट दी सोर्सेज एंड अलोकेशन ऑन इन ईयर बेसिस अगला हमारे पास दिस कॉन्टेंट इज डायरेक्टली फ्रॉम योर मैकमेल बुक गाइस प्लीज मी अगर आपने ये समझ लिया ना तो आपके दो मार्क्स कोई नहीं छीन सकता आने वाले एग्जामिनेशन में ठीक है सो नाउ द डिफरेंस बिटवीन कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट दिस साइड बी है फंड फ्लो स्टेटमेंट ठीक है तो पहला आपका इंटीग्रल पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एज मैंडेटरी जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन जहां पर डिस्कलोजर ऑफ फाइनल अकाउंट से उस लिस्ट में आपका एक जो डॉक्यूमेंट है वो आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट सो इट इज मैंडेटरी इट इज ऑप्शनल ठीक है ये आपका इंटरनल यूज के लिए ठीक है नॉट मैंडेटरी रिक्वायरमेंट एंड नॉट अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट Cash flow from operating, financing, and investing activities to be shown separately as per the Accounting Standard Three and Indian Accounting Standard Seven. Here, SS there is no segregation is required. Determine the cash position at the end of the accounting period. Determine the changes in working capital throughout the specified period. उंटिंग यहाँ पे आपका अप्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग दी लिक्यूरिटी पोजिशन ऑफ अजनसिंग दी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी सो दिस इज योर ऑल अबाउट दी कैश फ्लो एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट तो मैंने एक और चार्ट आपके लिए बनाया है सो यू कैन गो थ्रू दिस पर्टिकुलर वन ऑल्सो सेम डेटा आपका है. थोड़ा सा मैंने उसको और डरा जैसे अलग अलग डेफिनेशन कैलक्युलेन सोच जर अकाउंटिंग बेसिस पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजेज आपका ठीक है तो अगर इसको भी देखेंगे तो आपको फंड फ्लो और कैश फ्लो के बीच में जब सेग्रीगेट करने के लिए बोला जाएगा so चलो तो दिस इज इट तो कैसा लगा सेशन जल्दी से आप कॉमेंट्स के अंदर लिख के बता दें और सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें जो भी जे आई के प्रिपरेशन करें एंड बिलीव मी गाइस विल फॉलो दिस पर्टिक्युलर ऑन रेगुलर बेसिस ज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू इन योर अपकमिंग एक्सामिनेशन आप खुद आके बोलेंगे कि हाँ सर दिस कॉन्टेंट वॉज सुपीरियर आपको बहुत मजा आया समझ माया, examination में आया और एग्जामिनेशन में काम आया ठीक है इवेंचुअली आवर गोल इज टू क्लियर जी आई बी एग्जामिनेशन हमें वहां पर कोई हंड्रेड में से नहीं लाने वी हैव टू स्कोर फिफ्टी प्लस इन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट इफ यू गो थ्रू दिस पर्टिकुलर बिलीव मे आई कैन गारंटी की तो इस तरीके से आपका रेगुलर बेसिस पे चीजों को पढ़ते रहिए लाइक like, जस्ट जब हम लोगों ये कंप्लीट हो जाएगा आई कम विद एमसीक्यू सेशन तो वहां पे हम लोग उनको आपका डिस्कस करेंगे ठीक है यूनिट वाइज आपका प्रैक्टिस करेंगे बट उन एमसीक्यूज को समझने के लिए आपको यहाँ का जो बेसिस है वो आपका पता होना जरूरी है ठीक है तो आ, अगर नए हैं चैनल के ऊपर एक बार जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें तो जिससे वी कैन हैव अ मैक्सिमम रीच सब तक हम लोग आपको पहुंच पाए और सबको इन सेशन का बेनिफिट मिले तो आज के लिए इतने कहते हैं दिस इज इट फ्रॉम माई साइड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन बाय बाय टेक केयर ऑल हैव नाइस डे थैंक यू